देखिए विराट ने इतने मैचों में ना इतने हजार किए थे, बाबर के ना एक 3 रन ज्यादा हो गए इतने मैचों में, तो ये विराट ने वो चुसनी दी हुई है कि सिर्फ विराट के नाम को ऐड करने से जो चूती है उनको चुसनी मिल जाती है। उसने उठाई है भारत की टीम ने, थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व, सही है सही है, जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। विराट कोहली पे पूरे वर्ल्ड कप का क्रिटिसाइज होता रहा, इंडियन फैंस ने भी किया, इंडियन मीडिया में भी किया, पाकिस्तान मीडिया ने भी किया, फैंस ने भी किया, लोग उनका स्टैट्स उठा के दिखा रहे थे, यहां चला रहे थे पाकिस्तान में कि भाई विराट कोहली सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट्स और एवरेज के साथ ऐसा ओपनर खेल रहा थर्ड क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। अबे बोलो जो क्रिकेट को ऊपर लेके जाते हैं, बोलो जो ये बताते हैं कि क्रिकेट के लिए कौन सा फायदेमंद है प्लेयर, उनके लिए विराट कोहली ने आज दरवाजे बंद कर दिए अपने, उससे बोला कि नहीं यार दफा हो जाओ, मगर ज्यादती मेरे जैसे क्रिकेट फैन के साथ विराट कोहली ने आज ज्यादती करी, मेरा क्या कसूर था यार। हमारी तरफ से तो हम कहा जाते हैं, गले फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि हमारे पास बाबर आजम है जो कोहली से भी पता नहीं लाख दर्जे बेहतर है। क्या परफॉर्मेंसेज हैं बड़े मैच में बाबर आजम की, या क्या परफॉर्मेंसेज हैं बाबर आजम की वर्ल्ड कप में, या क्या परफॉर्मेंसेज हैं बाबर आजम की एशिया कप में, या क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम किंग कहते हैं T20 वर्ल्ड कप में, या क्या फिर भी लोग उनको जाली क्या परफॉर्मेंसेज हैं बाबर आजम की लास्ट बड़ी इंटरनेशनल सीरीज में। सही बात है। और आपके चेयरमैन ने उनको कप्तानी का सहरा जबरदस्ती सजा दिया। इंडियन क्रिकेट में जिसको विराट ने बोला होगा कि ये मेरा आखिरी मैच है। अब एक और बात, विराट उसकी मर्जी के बगैर रिटायरमेंट नहीं ले सकता, धोनी ने कहा होगा। मामूला अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही, इंडिया की वर्ल्ड कप की डोमिनेंस को ना एक्सेप्ट करने वाले हैं। मामूला कहां है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कोई सर्व जर्व तो नहीं खा लिया। उन लोगों के अंदर फिर सवाल खड़े कर दिए जिनके जनाजे अभी तक गायब हैं, पढ़ने ही कोई नहीं आ रहा बाहर क्यों नहीं। मेरे अबे बात बात सीधी सी ये कि तुम्हारे पड़ोस में एक टीम फाइनली फाइनल खेलती हुई आ रही है, मगर वो मुंह से नहीं बोलती कि हम फाइनल खेले, जबकि तुम्हारा घंटे का किंग जब पूछो क्या किया तूने, हमने सेमी फाइनल, हमने फाइनल। जिस दिन विराट कोहली लाहौर में खेल रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि विराट के पाकिस्तान में भी करोड़ों चाहने वाले हैं, उसके तो चांद पे भी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का किया ऐलान। विराट कोहली ने कहा कि अब अगली पीढ़ी को कमान संभालने का समय आ गया है, यह मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, यह बिल्कुल वही है जो मैं हासिल करना चाहता था। वही दुनिया भर के विराट के फैन ये सुन भावुक हो गए और विराट के हेटर्स को लताड़ लगाया। एक तरफ भारत में जश्न का माहौल है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का अभी भी रोना जारी है। विराट कोहली की शानदार बैटिंग से पाक मीडिया तिलमिला उठा और विराट कोहली का कंपैरिजन बाबर आजम से करके रोना शुरू कर दिया और बोला कि विराट कोहली ने जो अपने टीम के लिए किया, बाबर आजम अपने टीम के लिए वो क्यों नहीं करता। कल के मैच में भारत ने 7वें ओवर में मैच को पलट कर रख दिया। 16वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट पर 151 रन बनाए थे, तब मिलर और क्लोजन क्रीज पर थे। आखिरी के 24 गेंद में साउथ अफ्रीका को 26 रन चाहिए थे। इसके बाद डेथ ओवर में हार्दिक बुमराह और अर्शदीप की गेंदबाजी ने मैच को पलट कर रख दिया। बारबाडोस में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से हरा दिया। क्रिकेट यतीम कर दी मेरे, नासिर हुसैन बाहर निकल, तेरे अब्बू कोहली ट्रॉफी के साथ रिटायर हो गए, चार चूतिया खड़े हैं, माइकल वॉन, माइकल माइकल एथरटन, नासिर हुसैन और एक जब मुझे लगता है ये सस्ते मिलते हैं, यही होते हैं इवेंट में, ये सस्ते मिलते हैं। मार रहा था ना पकड़ के, उसकी आवाज आप चेक करें नासिर हुसैन की, अभी इसके फूफा का लड़का खेल रहा था, नो डाउट क्लासन भाई है, बहुत बड़ा प्लेयर, अच्छा प्लेयर है। हमने कहा था हम काव्या मरण के होते हुए जिता सकता है ये टीम को, काव्या मरण के बगैर नहीं जिता सकता। क्लासन की इनिंग के बाद और रोहित शर्मा से पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गलती हुई, और वो गलती थी कि जब 5-6 ओवर में 54 रन थे, उसने वो ओवर अक्षर को क्लासन के खिलाफ पकड़ा दिया। जीत हालांकि बहुत सारी चीजों को आपकी छुपा देती है, ठीक है, मगर जीत जो होती है वो यकीनन आपकी जो जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट होती है, और वो मेडिसिन रोहित शर्मा ने ली होगी यकीनन, ऐसा नहीं है। बहरहाल आज कैप्सूल गोलियां, आज T20 क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम जिससे मुझे भी रुला दिया कहीं जाकर कोने में, एक ऐसा ऐसा उसने किया, मैं रोया पता है किस वजह से, इस वजह से नहीं कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले, मैं रोया इस वजह से कि मेरे घंटे के जो है वो कंपेयर किससे करेंगे, किससे T20 में कंपेयर करोगे, अब वो तो तुम्हारे ट्रॉफी लेके निकल गए, इसका जवाब है किसी के पास, अबे खामोश कर गया वो, उन देखे जो क्रिकेट के फेवर में लोग हैं मेरे जैसे वासे जैसे और भी कुछ लोग होंगे जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो गेम की साइंस रखते हैं, जो गेम को स्पेल करते हैं, अबे जो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, अबे बोलो जो क्रिकेट को ऊपर लेके जाते हैं, बोलो जो ये बताते हैं कि क्रिकेट के लिए कौन सा फायदेमंद है प्लेयर,
उनके लिए विराट कोहली ने आज दरवाजे बंद कर दिए अपने, उससे बोला कि नहीं यार दफा हो जाओ, मगर ज्यादती मेरे जैसे क्रिकेट फैन के साथ विराट कोहली ने आज ज्यादती करी, मेरा क्या कसूर था यार कि उसने क्रिकेट छोड़ दी? तुमने शटअप कॉल उन लोगों को दिया, भाई शर्म करो, तुम लोग मर क्यों नहीं जाते जो ये कहते थे कि विराट कोहली के रन नहीं आ रहे, अब किसको बेच करोगे, किसको लेके निकलोगे, बाहर निकलो लांती के बच्चों, किसके ऊपर डालोगे तुम अब ये वाली कार्रवाई, किसके रन नहीं आ रहे, लांतियों मुसलसल लांतियों। अच्छा मैं आपकी बात को कम्प्लीट कर दूं, रोहित शर्मा ने जो जीतने के बाद उससे बात की गई आखिर में, आखिरी बात ट्रॉफी देने से पहले, रोहित शर्मा ने पता है कितनी बात की है, जितनी बात की उसमें 60% क्या बताया प्रेजेंटर को, सुना होगा आपने, उसने कहा विराट ने जो काम किया एक एंड पे मेक श्योर किया कि वो आखिर तक जाए और सब उसके अराउंड खेलें और हमारे एक रिस्पेक्टेबल टोटल, और रोहित ने ये माना कि जितने रन्स पे जीतना चाहिए हमने उससे थोड़े ज्यादा ही बनाए, लेकिन क्योंकि क्लासन डीको हॉकी स्टाफ या फिर थोड़ा बहुत मिलर ये बहुत एकदम से तगड़े प्लेयर्स हैं और ये तगड़ा खेल गए, हमारी स्पिन आज बैकफायर कर गई, कंडीशंस वैसी नहीं थी, इसलिए रोहित शर्मा का सुन लो कि उसने कहा है कि विराट ने जो किया है पिच पे खड़े होके यार इस वो बहुत अहम था। गंदे कमेंट्स मुझे 26 रन 24 बोले, गंदे गंदे कमेंट्स मुझे गंदे गंदे मैसेजेस इनबॉक्स में, तेरे बाप की बजा दी और न जाने क्या क्या, और रोहित शर्मा को नंगा, अबे जिसके मुंह में जो आ रहा था बोल रहा था, आखिरी लोग हैं। मैं हमेशा इमरान खान से मेरे लाख इख्तलाफात सही पॉलिटिकली, मगर उसकी एक बात मैंने पल्लू से बांध ली, आखिरी बॉल गिरने तक तुम अपना फैसला नहीं दे सकते, अबे नाक के नीचे से निकाल ले रोहित शर्मा ने मैच, नाक के नीचे से साउथ अफ्रीका के, तुम्हारी ऐसी की तैसी साले, कल से मैं देख रहा था, कल रात में एक स्पेस में भी था, मैं हर आदमी निकल कर आ रहा है कि यार, अच्छा उसके बाद फिर मेरे घंटे के फैन भी निकल कर आए कुछ, उसमें वो कह रहे हैं कि यार आप जब बाबर करता है तो अबे बाबर और कोहली का मुकाब, मैं यही कह रहा हूँ कि अब क्या करोगे तुम लोग, अब क्या करोगे, अबे डरा करो, उस दिन से जब तुम्हारे एनालिसिस खत्म हो जाए, एनालिसिस तो चुतियापे की बातें होती है तुम लोगों की यार, एनालिसिस होते क्या है पहले तो ये पता, विराट और बाबर के कोई एनालिसिस बनते है, एक जमीन एक आसमान नहीं है, किसी के नहीं बनते, विराट कोहली के अपनी भी मुल्क में अभी किसी से एनालिसिस नहीं बनते, मैं कल भी कह के कहता कि खैर बात, उसने अपनी मर्जी से कहना था और उसने आज अपनी मर्जी से T20 इंटरनेशनल छोड़ी, आई थिंक वो IPL YPL सब खेलेगा, और फिटनेस के साथ क्रिकेट छोड़ने वाला अमर हो जाता है, याद रखना हयात हो जाता है, विराट कोहली ने अपने आप को क्रिकेट में इतना जीवित कर दिया कि उसने इस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस देके मैच विनिंग 76 रन करके क्रिकेट को खैरबाद कह दिया, उन लोगों के अंदर फिर सवाल खड़े कर दिए जिनके जनाजे अभी तक गायब हैं, पढ़ने कोई नहीं आ रहा, बाहर क्यों नहीं निकल रहा, बाहर नहीं निकल रहे ना, कोई मायूं बैठा हुआ है, कोई दुपट्टा पहन के, कोई बुर्का पहन के घूम रहा है, कोई घर से नहीं निकल रहा, किसी को घर में ही हार पहनाए जा रहे हैं, बात बात सीधी सी ये कि तुम्हारे पड़ोस में एक टीम फाइनली फाइनल खेलती हुई आ रही है, मगर वो मुंह से नहीं बोलती कि हम फाइनल खेले, जबकि तुम्हारा घंटे का किंग जब पूछो क्या किया तूने, हमने सेमीफाइनल, हमने फाइनल, अबे तू ना जीतने की टांगे लेके ना उतरता है ना उतरेगा, तू झटके में पहुंचा था, पहुंच गया था गलती से, झटका तेरा चला नहीं, इंडिया पहला मैच पाकिस्तान को मारा फाइनल ले गया, तूने इंडिया को 2021 में पहला मारा सेमीफाइनल में, देर हो गया क्योंकि तेरे पास गेम रीडिंग नहीं थी, दो मर्तबा ऐसा मौका था, वो बात है कि बहुत पढ़ा लिखा लड़का है वो, पढ़े लिखे लोग जो है ना वो दीवाने बावले चौधे हो चुके हैं, ऐसा हाल किया है इन क्रिकेटर्स ने, इन्हें ये नहीं दिख रहा बेशर्मों को कि अबे यूएसए से हारे हुए लोगों के लिए तू विराट बताएगा, अबे खेल जो होता है ना वो जवानों की मीराज बनता है वो, और धोनी भाई आदमी है इंडियन क्रिकेट में जिसको विराट ने बोला होगा कि ये मेरा आखिरी मैच है, अब एक और बात, विराट उसकी मर्जी के बगैर रिटायरमेंट नहीं ले सकता, धोनी ने कहा होगा मतलब तेरा वही असर करेंगे जो मेरे साथ किया इन्होंने, गुमनामी की जिंदगी में फेंक दिया था धोनी को, यार आप अगर अभी चैंपियंस ट्रॉफी में विराट आ गया ना यहाँ तो तुझे हमारी आम पब्लिक बता देगी, बेटा ये सोशल मीडिया पे हेटर्स तुम्हारे या हमारे या ये देख के फैसला नहीं करो, कह रहे कि रोहित शर्मा ने 37 साल में ट्रॉफी जिताई है, मैं भी 37 साल तक तो खेलूंगा, कौन कह रहा है, बाबर आजम, मैं कह रहा हूँ पहले दे दें इसको, हाँ ऐसा नहीं हो सकता इसे जिता दे।